जब मैं पहली बार आज से लगभग 20 साल पहले इस्कॉन मंदिर दिल्ली गया, तो वहाँ पर मैंने चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु के विग्रह को देखा। तो मंदिर में विग्रह को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये कौन से भगवान हैं, इस फॉर्म में खड़े हुए हैं। एंड धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिवोटी से जानने का अवसर मिला, तो मुझे पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं ही भगवान कृष्ण हैं। और बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रैक्टिकली हमें कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, अदर देन डिवोटीज़ जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? दूसरा क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु इस संसार को क्या देने के लिए आए? एंड तीसरा क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु कृष्णा कैसे हो सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। चैतन्य महाप्रभु राधा एंड कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। दूसरे शब्दों में, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है। तो क्वेश्चन ये आता है कि लोगों को कृष्ण के बारे में पता है, राम के बारे में पता है, बट लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्यों नहीं पता? उसका रीज़न है कि चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार हैं। छन्न मीन्स छुपे हुए, क्योंकि वो इस संसार के लोगों को कृष्ण भक्ति देने के लिए आए थे, इसलिए इन जनरल संसार के लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में अधिक नहीं जानते। तो कौन है चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा एंड कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। चैतन्य महाप्रभु इस संसार के लोगों को कृष्ण भक्ति का अपने जीवन में अभ्यास करके इस संसार के लोगों को कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से पहले हम जानते हैं कलयुग में भगवान कृष्ण भी आए। भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन के थ्रू हम सभी को मैसेज दिया कि माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण को ग्रहण करो। ये गीता का भगवान कृष्ण की ओर से आखिरी संदेश था। परंतु भगवान कृष्ण ने गीता में इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई किस प्रकार से भगवान की शरण को ग्रहण करना है। ये कार्य था चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु जो कि एक भक्त के रूप में आए थे, भक्त के रूप में आकर चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार के लोगों को ये प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि किस प्रकार से हमें कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण से अपना संबंध बनाना है, कृष्ण की भक्ति करनी है और फाइनली कृष्ण से प्रेम करना है। तो उन्होंने खुद उसका अभ्यास किया और इस संसार के लोगों को बताया कि ऐसे हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है, संकीर्तन के माध्यम से, नाम जाप माला पर करके। ये चैतन्य महाप्रभु का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड इसका रिजल्ट हम देखते हैं पूरे विश्व में। एट प्रेजेंट लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और हरे कृष्ण संकीर्तन करते हैं और पूरे विश्व में लोग प्रैक्टिकली कृष्ण भक्ति को अपने जीवन में अपना रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वयं प्रैक्टिकली करके दिखाया। तीसरा क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु को हम कैसे माने कि वो स्वयं भगवान हैं? उसका आंसर बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली, क्योंकि छुपे हुए इनकार्नेशन है, तो उनके बारे में शास्त्रों में वर्णन है, डिटेल में बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं है, बट कुछ जगह चैतन्य महाप्रभु का रेफरेंस दिया गया है और ये बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगस्त्र पार्षदम। कृष्ण कौन है? वो बेसिकली ऑल्दो ही इज कृष्णा, और उनका जो कलर है वो काला नहीं है। संग पांगस्त्र पार्षदम, वो किसके साथ आए? अपने संग, अपने एसोसिएट्स के साथ आए, पार्षदों के साथ आए। उन्होंने पार्षदों के साथ आके हमें बताया कि कृष्ण भक्ति को हमें कैसे अपने जीवन में उतारना है। नाउ द फाइनल थिंग, हम बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राधा एंड कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? इसका आंसर बहुत सरल है। एक्चुअली श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। सम्मिलित अवतार का मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण ही हैं, परंतु वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर एंड श्रीमती राधा रानी की अंग कांति लेकर इस संसार में आए। वो काले नहीं हैं, कृष्ण काले हैं,
परंतु राधा रानी क्योंकि क्या है, वो है मोल्टन गोल्ड कलर, पिघलते हुए सोने के समान है श्रीमती राधा रानी। तो उसी कलर को लेकर चैतन्य महाप्रभु आए। दूसरा, वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए, क्योंकि वो उस भाव के थ्रू किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रति प्रेम को एक्सपीरियंस करती हैं, वो कृष्णा इस चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में उसको वो पर्सनली एक्सपीरियंस करना चाहते थे। यदि आप मेरे पीछे देखें, ये मंदिर है TOVP टेंपल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम, ये मायापुर में है और ये वर्ल्ड का आगे आने वाले समय में सबसे बड़ा मंदिर होगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मायापुर क्या है, मायापुर इज ए स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। स्पिरिचुअल कैपिटल मीन्स यहाँ पे आध्यात्मिक भक्ति करने का एक विश्व का केंद्र है, यहाँ से पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पर, वो कृष्ण भक्ति करने की प्रेरणा लेते हैं, कृष्ण भक्ति का अपने जीवन में अभ्यास करते हैं और वो मोटिवेट होकर जाते हैं और वो आगे जाकर बाकी डिवोटीज को, बाकी लोगों को चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं एंड कृष्ण के बारे में बताते हैं। हरे कृष्णा।